ये नहर है, ये नहर ये आ रही है बहावरपुर से, यानी वहाँ जो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से ये निकलती है नहर, और ये इसका यहाँ पे क्योंकि बहावलपुर तहसील का ये एंड है खानपुर नौरंगा, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है आगे जाके तकरीबन एक दो ढाई किलोमीटर आगे नहर जो है ये तो क्योंकि कच्ची है अभी, आगे वो जो दो किलोमीटर है वो आखिरी जो है छोटी सी फिर नहर यानी छोटी और छोटी बन जाती है। तो इस तरह ये यहाँ पे ये देखें सारी फसलें नज़र आ रही हैं, तो ये यहाँ पे तो हमारा रोज़ का मामूल था, ये हम अपने इस डेरे पे आते होते थे और सुबह सुबह आ जाना, और जो वाला साहब थे उन्होंने बैलों की मदद से हल लगवाने यानी कि सुबह नमाज पढ़ने तक नमाज के टाइम तक एक एकड़ जो था उसको हल लगा दिए जाते थे। ये देखें ये यानी कि रोज़ का मामूल होना। अब तो ये यहीं पे एक और बात भी मैं बताता चलूं कि यहाँ पे नहर के किनारे ना काने होते थे, काने जिसको हम स्कूल यहाँ ये देखें ये सामने वो नज़र आ रहा होगा आपको, तो बिल्कुल ही अब तो एक एकड़ चलने के लिए भी सांस फूल जाता है, लेकिन उस वक्त तो ये था कि कई किलोमीटर पैदल चलना भी और फिर उसको सांस भी ना फूलना, और कोई असल में खुराक जो थी या वो असली होती थी, और घी शक्कर गुड़ चीनी वगैरह नहीं थी, घी देसी होता था, मक्खन लस्सी। तो ये आज का तो ये नहर में पानी वैसे ही आता ही 3 महीने के लिए, तो जब 3 महीने के लिए उस वक्त तो 6 महीने आता था पानी, तो ये यहाँ पे भी यहाँ तक यानी कि यहाँ पे हम तैरते हुए जहाँ मैंने देखा है कि जहाँ हम नहाते थे यहाँ तक आ जाना फिर। ये देखें ये बहुत पुराना दरख्त है, ये देखें ये है पीपल का दरख्त, ये उस वक्त का है, ये उस वक्त से लेके